अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो उनने मेरे से मंगाई भी थी और मैं उनके लिए लेके आया था। तो चलिए लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा और वो आज लेकर के आया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन से बात करते हैं, जो कि थॉमस कप विनर हैं, तो कहते हैं जब मिलने आओगे तो आते हुए बाल मिठाई लेते हुए आना। और ये कोई पहली बार नहीं है जबकि बाल मिठाई चर्चा में है। इससे पहले राजीव गांधी जी भी बाल मिठाई को बहुत पसंद करा करते थे। ब्रिटिशर्स की फेवरेट मिठाई में से एक बाल मिठाई हुआ करती थी। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को बाल मिठाई गिफ्ट दिया करते थे वो। बाल मिठाई नेपाल के रास्ते अल्मोड़ा में आई है, जहाँ की काफ़ी इम्प्रोवाइजेशंस के बाद आज बाल मिठाई इस तरीके से दिखती है। तो आइए बाल मिठाई बनाते हैं। बाल मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम चीनी है। अब इसमें से लगभग आधी चीनी मैं एक पैन में डाल दूंगा और आधी चीनी हम सेव करके रखेंगे। वो मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको कहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। और इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम शुगर सिरप बना रहे हैं। गैस को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे साइड में मेरे पास लोहे की कढ़ाई है। जिस भी चीज़ में हम बाल मिठाई बनाएंगे वो हैवी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मोटे तले की लोहे की कढ़ाई है, जिसको मैं गरम कर लूँगा। और इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हमने घी को मेल्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास है खोया, जिसको मावा बोला जाता है, खोया बोला जाता है। अच्छी क्वालिटी का खोया लीजिए। अच्छी क्वालिटी का खोया होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी क्वालिटी का खोया इज इक्वल टू अच्छी क्वालिटी की बाल मिठाई। मावा को हमने घी में डाल लेना है। यहाँ पे हमने खोए को अच्छे से भून लेना है और ब्राउन कलर देना है। कई शॉप से आप बाल मिठाई खरीदते हैं, वहाँ पे जो ब्राउनिंग होती है या तो वो कोको पाउडर से होती है या बाल मिठाई में थोड़ी सी चॉकलेट मिला देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं दुकानदार। तो जो असली बाल मिठाई बनती है, ट्रेडिशनल बाल मिठाई बनती है, वो मावा को भून के बनती है। इसको भूनना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मिठाई का। हमने इसको मीडियम फ्लेम में एक भारी तले की कढ़ाई में अच्छे से भून लेना है। देखिए यहाँ पे जो शुगर सिरप है उसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। और जो मावे को भूनने का प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी बाल मिठाई बनाने के लिए। तो हमने लगातार मावे को चलाते रहना है मीडियम टेम्परेचर में। हम इसको भूनते रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो शुगर सिरप है वो थिक हो गया है। जब हम इसको उंगलियों के बीच में डालेंगे तो थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। इसका मतलब हमारा शुगर सिरप एकदम रेडी हो गया है। हमें एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। थोड़ा सा स्टिकी हो जाए शुगर सिरप और शुगर सिरप को हम बंद कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देते हैं और आते हैं यहाँ पे खोए की तरफ। देखिए मावा को हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, जब ये वाइट था, और अब भूनते भूनते हमने इसको ब्राउन कलर का कर दिया है। लाइट ब्राउन है अभी कलर। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको शुगर दिखाई थी और मैंने बोला था कि ये शुगर को हमें, आधी शुगर को हमें बचा के रखना है, ये आगे जाके हम यूज़ करेंगे, तो हम थोड़े से शुगर को यहाँ पे इसमें मिला लेते हैं और इसको हम भूनेंगे। शुगर जब कैरमलाइज होगी तो और ज़्यादा अच्छा कलर आएगा, डार्क ब्राउन कलर आएगा, और वही हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से घी छोड़ने लगा है। अब हमने जो शुगर सिरप है वो इसमें ऐड कर लेना है और इसको पकाना है। थोड़ा सा शुगर सिरप देखिए यहाँ पे हमने बचा के रखा है। अभी इसको बचा के रखिए, ये हम आगे यूज़ करेंगे। शुगर सिरप जब हम इसमें मिलाते हैं और इसको पकाते हैं तो देखिए इस मिक्सचर में कितनी प्यारी शाइन आ गई है।
और यहाँ पे हमारा मिक्सचर एकदम डार्क चॉकलेट कलर का हो गया है। यही जो कलर है वो हमें चाहिए। बस थोड़ा सा और पकाएंगे और अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि कब ये पकाना बंद कर देना है। यहाँ पे हम मिक्सचर को पकाते रहेंगे, एकदम मिक्सचर शाइनी हो गया है, डार्क चॉकलेट कलर का हो गया है। इसको पकाते रहेंगे और देखिए जब हम इसको यूं मिक्स करते हैं तो ये एक साथ जुड़ रहा है, एकदम च्युइंगम जैसे एक साथ जुड़ के आ रहा है। तो इसका मतलब मिक्सचर हमारा क्लोज है, पकने वाला है। इसको चेक करने का एक तरीका है, देखेंगे कि ये मिक्सचर हमारा बन के रेडी हो गया है कि नहीं हो गया है। थोड़ा सा मिक्सचर हम लेंगे और प्लेट में डाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करिए। देखिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको उठाएंगे तो ये इजीली एक साथ असेंबल होके उठ जाएगा, जुड़ा जुड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा बाल मिठाई का मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। बाल मिठाई का मिक्सचर बनके एकदम रेडी हो गया है। यहाँ पे मिक्सचर घी छोड़ने लगा है, हमने प्लेट में डाल के देख लिया है, प्लेट को इजीली छोड़ देगा तो आपका मिक्सचर एकदम डन हो गया है। ये जो सारा मिक्सचर है इसको हम एक ट्रे में डाल लेंगे, थोड़ा सा घी डाल लूँगा मैं और ये जो मिक्सचर है हमारा बाल मिठाई का इसके ऊपर से डाल देंगे। यहाँ पे जो बाल मिठाई का मिक्सचर है वो हमने एक कंटेनर में डाल के रख दिया है, जिसमें कि मैंने नीचे बटर पेपर लगाया है, घी से मैंने इसे कोट कर लिया था। सारे मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे और इसको हम रख देंगे जब तक ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए और सेट हो जाए। देखिए यहाँ पे बाल मिठाई रेडी हो गई है, एकदम सेट हो गई है। कंटेनर से इसे मैं बाहर निकाल लूँगा। और इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगा। बाल मिठाई को हमने पोर्शन करके रख लिया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास बाल दाना है, पोस्ता बोलते हैं इसको, कसकस सीड्स में शुगर कोट करा हुआ है और इसी के नाम से बाल मिठाई को बाल मिठाई बोला जाता है, इसे बाल दाना बोलते हैं और इसी से बाल मिठाई का नाम आया है। तो हमने इससे इसको कोट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास बाल मिठाई है, जो शुगर सिरप हमने बनाया था, शुगर सिरप में हम बाल मिठाई को कोट कर लेंगे और बाल दाने में हम इसको कोट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए चारों तरफ से जब ये ढंग से अच्छे से कोट हो जाए, इस तरीके से हमने इसको कोट कर लेना है। बाकी की बाल मिठाई को भी हम इसी तरीके से बाल दाने से कोट कर लेंगे और जब ये सूख जाएगा तो ये बाल दाना इसमें और अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस तरीके से हमने बाल दाने से बाल मिठाई को कोट कर लेना है और ये बाल मिठाई बनके रेडी। तो गाइस ये थी अल्मोड़ा की फेमस मिठाई की रेसिपी, बाल मिठाई की रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें घर में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक वाला बटन हिट कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।